हाय दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों आज मैं आया हूँ अपने खेत पर और ये मेरी जवा है दोस्तों, जवा की फसल है दोस्तों। और इसमें अभी पहला पानी लग चुका है और बुआई से पहला पानी जमीन के अंदर से गेहूं निकलने के 15 दिन के अंतराल पर ही पानी दे देना चाहिए, पहला पानी। तो दोस्तों इसमें पानी अभी लग चुका है, एक एक पानी लग चुका है इसमें। ये देख सकते हैं आप, इसमें नमी है अभी खेत में। और दोस्तों मैं आज आपको अपनी पूरी फसल दिखाऊंगा, तो इस फसल को देखिए दोस्तों। इसमें और पहले पानी लगने के बाद में इसमें आप जैसे यदि आपकी फसल में घास फूस वगैरह है, जैसे ये देखिए दोस्तों सरसों का पौधा है ये, तो ये इसमें ज़्यादा तादाद में सरसों के पौधे दिख रहे होंगे आपको, देख सकते हैं आप सरसों के पौधे दिख रहे होंगे आप इसमें, तो इसमें ज़्यादा तादाद में सरसों के पौधे हैं दोस्तों। और मतलब छोटे छोटे बारीक ये देख सकते हैं आप, सरसों का पौधा है ये दोस्तों, छोटा सरसों। और ये अंदर से दिखाऊं मैं आपको, तो ये देखिए, ये तो ये नुकसान करते हैं फसल के लिए। तो इसमें पहला पानी 15 दिन के अंतराल पर लग जाना चाहिए। और जो अपना दवाई का छिड़काव करते हैं ना दोस्तों, तो वो दवाई का छिड़काव पहले पानी लगने के बाद में, यानी 15 दिन के अंदर पानी लग जाता है, तो और उस फसल में 15 दिन के पहला पानी लगने के बाद, यानी 10-15 दिन बाद, उसमें जो गीली हो जाने के कारण जमीन से पूरा जो खरपतवार है वो उगाती है। तो उगने के बाद जब वो अच्छी तरह वो आती है, तो दोस्तों उसमें दवाई दे दें आप, दवाई का छिड़काव कर दें, इससे आपकी फसल में अच्छे कल्ले उत्पन्न होंगे, अच्छी कंसी करेगी दोस्तों। और एक पौधे से करीब 15-15 पौधे उत्पन्न होंगे दोस्तों, तो इससे आपकी जो फसल है वो अच्छी पैदावार होगी उस फसल की। और तो दोस्तों देख सकते हैं आप इसमें, और ये दोस्तों ये खेत ये है, इसमें अभी पानी लग रहा है आपको, इनमें बराहे में पानी दिख रहा होगा दोस्तों आपको, तो ये पानी लग रहा है इसमें, इसमें पहला पानी 15-16 दिन के अंतराल पर ही कर देना चाहिए दोस्तों। और ये अब मैं आपको दूसरा खेत दिखा रहा हूँ, और ये खेत ये है इस साइड, इसमें पानी लग चुका है, और एक खेत इसमें पानी लग रहा है अभी, इसमें लग चुका है, आगे वहां पे लग रहा है। तो ये मेरे खेत देख सकते हैं दोस्तों आप, तो दोस्तों वहां पे है मेरा कुआं, वहां से पानी आ रहा है मोटर से, यहाँ पे इसमें अभी पानी नहीं लगा हुआ है दोस्तों, इसमें जानवर वगैरह परेशान करते हैं इसमें। देखिए यहाँ पे फसल देख सकते हैं आप, और ये यहाँ पे देख रहे होंगे आप, ये फसल को काट चुके हैं, जंगली जानवर वगैरह आते हैं रात में दोस्तों, तो यहाँ से देख सकते हैं आप, आपको अब दोस्तों हम उस साइड चलते हैं नीचे, वहां पे चलते हैं अब हम, और वहां पे हमारी थोड़ी मसूर की फसल है दोस्तों, उसमें जगह ज्यादा काली मिट्टी है उसमें, तो उसमें मसूर की फसल बो दी थी दोस्तों, तो उसको दिखा दूं मैं आपको। और इसमें अब जल्द ही पानी लगने वाला,
इस खेत में, क्योंकि इसका समय पानी का हो चुका है दोस्तों, पहला पानी का। और पहले पानी के बाद में दवा का छिड़काव करने के बाद में जब सारा खरपतवार नष्ट हो जाए, दवा का छिड़काव कर दें पहले पानी के 15-20 दिनों के बाद दवा का छिड़काव करके, और उसमें पूरा जब खरपतवार इसका नष्ट हो जाए तो दोस्तों इसमें यूरिया खाद मिलाएं। और यूरिया खाद से उसमें यूरिया खाद डालकर दोस्तों अच्छी तरह से यूरिया का छिड़काव कर दें। तो इससे यूरिया का छिड़काव दोस्तों वैसे दो बार करना चाहिए, यदि किसान को अच्छी फसल से पैदावार लेनी है तो यूरिया का छिड़काव दो बार करें दोस्तों। एक बार कब करें कि फसल छोटी है, पहला पानी लगने के 15 दिन बाद दवा का छिड़काव करें, और उसके बाद में जब देख लें उसकी निगरानी करें कि सारा जो खरपतवार है वो नष्ट होने के बाद में यूरिया का खाद छिड़कें, तो इससे अच्छे उसमें कल्ले उत्पन्न होते हैं दोस्तों। और जो दूसरा यूरिया का छिड़काव है, दूसरा खाद छिड़काव कब करें, तब उसमें बालियां निकलना उत्पन्न हो जाए, बालियां जो है वो निकलना शुरू हो जाए, तब उसमें दवा का छिड़काव करें। तो इससे दोस्तों क्या है कि दाना अच्छा आता है इससे फसल में, और किसानों के लिए अच्छी पैदावार होती है, और उसका जो तना है खाद से, तना मजबूत होता है दोस्तों, खाद देने से उसका तना मजबूत होता है। तो इससे क्या है, फसल जमीन में आड़ी नहीं गिरती है। ये आप मेरी मसूर देख सकते हैं दोस्तों, अभी छोटा छोटा नन्ना नन्ना पौधा है दोस्तों, देख रहे हैं आप। इस फसल को दोस्तों जवा के साथ में ही बोया गया था, तो दोस्तों आपको मेरी वीडियो, मेरी बातें पसंद आई हैं दोस्तों, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, और वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों, ताकि अन्य किसान भाइयों के लिए यह जानकारी उत्पन्न हो सके। यह मेरे द्वारा बताई गई एक छोटी सी जानकारी है दोस्तों आपके लिए। तो आप मुझे अपना साथ दीजिए दोस्तों, और मेरी वीडियो को लाइक करके दोस्तों अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।